अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शेवर, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल परमानेंट हेयर पैच डेली। दोस्तों आज जो हमारी वीडियो का कंटेंट है ये हेयर पैच क्लिपिंग सिस्टम के ऊपर है। बेसिकली हमारे बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड है, लेकिन क्लिपिंग के ऊपर मैं बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ। उसका कुछ रीजन है और क्या रीजन है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आज जो हमसे कस्टमर ने डिमांड करी है जिस पैच के लुक के लिए, सो बेसिकली हमने वही लुक कटिंग करके करवाया और वो लुक मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस बंदे का वो लुक है और वो कटिंग होने के बाद किस तरीके का लग रहा है। सो जसमानक सभी जानते हैं, जसमानक ने अभी थोड़ा नया अपना हेयर स्टाइल थोड़े शॉर्टकट में कराया, तो ये सेम लुक हमसे कस्टमर ने डिमांड करी है, उन्होंने ऑर्डर पे हमसे पैच मंगवाया है और यही सेम पैच हमने अभी कटिंग कराई है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कटिंग होने के बाद उसका रिजल्ट और लुक कितना बढ़िया है। सो ये राघव भाई हमारे अनश्य हेयर सॉल्यूशन के टीम के ही बंदे हैं और हमने इनके ऊपर रख के कटिंग करी है अपनी इस पैच की। और आप जैसे कि देख सकते हैं जसमानक का जो साइड का हेयर स्टाइल है, जो फ्रंट से जो उसकी लेंथ वगैरह डेंसिटी हर चीज बिल्कुल प्रॉपर वैसे ही हमने कटिंग करी है। आप जैसे साइड में देख सकते हैं प्रॉपर मैचिंग है, इस साइड से देख सकते हैं प्रॉपर ब्लेंडिंग वगैरह एकदम परफेक्ट है। फ्रंट की जो लेंथ थी जो फोटोज के अंदर हेयर स्टाइल दिखा रखा है सेम वही हेयर स्टाइल है। ऊपर की डेंसिटी भी हमने बहुत नॉर्मल से रखी है। इनके ऊपर रख के कटिंग कराने का एक रीजन ये भी है क्योंकि ये इनके जो फ्रंट की जो लाइन है हेयर लाइन है वो काफी डीप हो गई है और बहुत पीछे चली गई है। सो कौन लोग हेयर पैच क्लिपिंग में यूज कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जिनके बाल पूरी तरह नहीं गए हैं वो हेयर पैच क्लिपिंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन जिनके ऑलमोस्ट 40-60% हेयर लॉस उनका हो चुका है तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो सिर्फ या तो टेपिंग में यूज करें या बॉन्डिंग में यूज करें, क्योंकि क्लिपिंग जो होता है वो साइड के हेयर को आपके एडजस्टिंग हेयर को डैमेज कर देता है अगर आप उसको डेली यूज करें बिना उतारे। क्लिपिंग पैच के अंदर आप क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, आप सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, सिर्फ आप उसको पहन के नहाइएगा नहीं, उसको पहन के सोइएगा नहीं, क्योंकि क्लिपिंग पैच की एडवांटेज सिर्फ यही होती है कि अगर आप क्लिपिंग के अंदर पैच यूज कर रहे हैं तो आप उसको रात को सोते वक्त बहुत ही ईजिली रिमूव करके रख सकते हैं, जब आप नहाने जा रहे हैं तो उसको उतार के आराम से नहाकर फिर दोबारा उसको पहन सकते हैं। पैच को पहन के नहाने से जब प्रेशर पड़ेगा तो आपके जो एडजस्टिंग हेयर है वो क्लिप उसको वहां से डैमेज कर देगा। मैं भी आपको वीडियो में बने रहिएगा, आगे आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्लिप किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से हटाना है। इनको देखने के बाद कहीं से कहीं तक कोई ये नहीं कह सकता, जिन्होंने इनको फर्स्ट टाइम देखा इनके ऊपर पैच लगा हुआ है, लुक इनके फेस के हिसाब से बहुत ही नेचुरल लग रहा है और फेस के ऊपर सूट भी हो रहा है। सो वीडियो में बने रहे, मैं आपको आगे का पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये किस तरीके से हटाया जाता है, क्लिप को लगाने का तरीका बहुत ही ज्यादा इजी है। बहुत से लोगों ने इसको थोड़ा सा मतलब हार्ड बना रखा है, यार क्लिप अगर हम घर पे यूज कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से हटाएंगे, पर मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा इजीली है इसको यूज करना, बहुत आसानी से हटा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इसको आप खुद भी रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, इसमें डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना डैमेज हो चुका है उसके हिसाब से इसके ऊपर क्लिप लगाया है। बेसिकली इसके ऊपर 3-4 क्लिप लगाए जाते हैं, एक क्लिप पीछे होता है, 2 क्लिप इसमें साइड में होते हैं। पूरा पैच रिमूव होने के बाद इनकी कुछ इस तरीके की कंडीशन है। इनकी जो ये साइड का वी है बहुत ज्यादा डीप हो गया है और अभी पैच हटने के बाद आप देख सकते हैं पूरा लुक बंदे का चेंज हो जाता है। तो ये पूरा जिनका स्टार्टिंग अक्सर आपने देखा होगा जब किसी का हेयर फॉल होता है तो ये डीप होने शुरू हो जाते हैं, ऊपर का क्राउन एरिया बनना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप कुछ टाइम के लिए क्लिपिंग पैच यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि अपने पूरे शेप बालों को शेव ना करवाएं तो। इसको आप खुद से लगा भी सकते हैं और खुद से हटा भी सकते हैं, जैसे कि आपने देखा हटाने में मोस्टली इसको 5-6 सेकंड लगे और लगाने में भी उतना ही टाइम लगता है। अगर आपके फ्रंट पे थोड़े से भी बाल है तो आप चाहे फ्रंट पे क्लिप भी लगवा सकते हैं या आप टेपिंग में भी काम कर सकते हैं। टेप की आगे से सिर्फ 2-3 स्ट्रिप लगेंगी और देखिए फिर से अटैच हो गया, मतलब इसको आप कभी भी अपनी मर्जी से इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि इसको पहन के स्विमिंग करना तो स्विमिंग करने में आप स्विमिंग कर तो लेंगे लेकिन जो आपके साइड के हेयर्स होंगे ये वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया साइड के हेयर्स में डैमेज हो जाते हैं, ये जो क्लिप होता है आप इधर से आके दिखा दीजिए थोड़ा। बेसिकली क्या होता है, ये जो क्लिप होता है ये या तो स्टील का होता है या लोहे का होता है, जब ये बालों के अंदर अटैच होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये यहाँ के रूट्स को डैमेज करके पूरे बालों को हमेशा के लिए खराब कर देता है, तोड़ देता है, जिसके बाद वो बाल दोबारा नहीं आते। तो ज्यादातर हम रिकमेंड यही करते हैं अगर आप क्लिपिंग में पैच यूज कर रहे हैं तो आप इसको रात को उतार दें, नहाते टाइम उतार दें। उसके अलावा आप सारी इसमें एक्टिविटी कर सकते हैं, इसमें आप बाइक राइडिंग वगैरह
या जो भी स्पोर्ट एक्टिविटी आप करना गेम खेलना चाहते हैं वो सारे काम आप कर सकते हैं। सिर्फ आप इसमें स्विमिंग ना करें, पहन के नहाए नहीं और रात को पहन के सोए नहीं, इसके अलावा आप सारे काम कर सकते हैं। रही बात इसकी कितना स्ट्रांग होता है लगाने के बाद, अच्छा खासा स्ट्रांग होता है। हाँ, खींचने पे जो साइड के बाजू उनमें दर्द जरूर होगा लेकिन पैच निकलता नहीं है। सो दोस्तों, हमसे पैच ऑर्डर करने के लिए आप हमारी टीवी वेबसाइट पे हमें पिन भी कर सकते हैं या डायरेक्ट हमें कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मुझसे स्पेशली आपको अगर बात करनी है तो आप इसी दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लेट ही सही लेकिन सारे जिनके भी जो भी सवाल होते हैं सबके जवाब जरूर देता हूँ। हमारी इंडिया के अंदर माशाल्लाह 7 जगह ब्रांचेस हो गई हैं, 6 जगह हैं और 1 जगह जयपुर में होने वाली है बहुत ही जल्दी। सारी ब्रांचेस के एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जो जिसको नियर पड़े वो वहाँ पे जाके अपनी हेयर पैच की सर्विस वगैरह या पैच भी लगवा सकते हैं।